हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनी। जैसे कभी कोई घर में सब्जी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि सब्जी क्या बनाएं, तो हम घर में बेसन ऑलरेडी रखा ही होता है, तो हम बेसन की सब्जी बनाएंगे और बताएंगे आपको, जो खाने में ही बहुत ही टेस्टी है और स्वादिष्ट भी है। बेसन बेसन की सब्जी है, इसमें बेसन की सब्जी में कोई नुकसान भी नहीं है और ऑलरेडी घर पे रहती है बेसन। तो फिर आइए हम फटाफट सीखते हैं कि ये बेसन की सब्जी कैसे बनती है। मिंजी बनाने के लिए हमें 2 कप बेसन चाहिए, 2 कप। अब इसको हम हल्का सा फैला देंगे इस तरीके से। फिर हमको थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से पानी लेके इसमें इसे इसे छींटा मारना है। और छींटा मारने के बाद फिर हमको इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। या 5 मिनट हो गए, हम इसको इस तरह उंगली से करेंगे। फिर इसमें हल्का सा छींटा मारेंगे, एकदम से मार देंगे तो हमारा आटा सा गूंथ जाएगा। हमको आटा सा नहीं गूंथना है, इसको हल्का सा पानी डालते हैं छींटा का। हमें इस तरह से इसको हल्की हल्की छोटी छोटी ये गोली बन जाएंगी। हमारा जो ये छोटी छोटी गोली है इसको हमको इस तरीके से अलग कर देना है। अब ये जो हमारा बचा हुआ बेसन है इसमें फिर हम हल्का सा छींटा मारेंगे। उंगली से सारा बेसन जो है इस तरह से छोटी छोटी ये गोली बनाना है। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसमें पानी एकदम से नहीं पड़ता है, क्योंकि हल्का हल्का पानी हल्का हल्का छींटा डाल के ही हमको गोली बनाना है। और ज़्यादा पानी पड़ने पे ये फिर वो सोवर नहीं बनेगी। ये गोली अलग करते जाइए बचे हुए बेसन में, हमको फिर ये हल्का सा फिर पानी डाल के इस तरीके से सारे बेसन के इस तरीके से। छोटी छोटी इस तरीके से गोली बनाना है। ये हमारा बेसन जो है मिंजनी के रूप में तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम 100 ग्राम तेल डालेंगे और गैस को रखना है। तेल हो गया है, अब इसमें जो हमने ये बनाई थी मिनी, अब इसको हम डाल देंगे। गैस हम तेज पे ही रखेंगे।
हमारी इसमें जो छोटी छोटी ये है ये तो देखिए लाल हो गई है, जो पर थोड़ा जो हल्की सी बड़ी है ये अभी नहीं हुई है, तो तब तक हम इसको और होने देते हैं और तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें ये हमने 4 हरी मिर्च ली है और एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ है, दो, और ये लहसुन है 2 चम्मच, इसी धनिया, एक चम्मच, टीस्पून हल्दी, इसको हम पीस लेते हैं। ये मसाला हमारा इसका रेडी है और हमारा ये जो है ये भी हो गया। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, उसी कढ़ाई में हमने और इसमें मसाला भूनने के लिए हमने 60 ग्राम तेल डाला है, ये हमारा 20 ग्राम का है, ये देखिए इसके हमने 3 डाले हैं। तेल हमारा हो गया, तेल को कच्चा नहीं रहना है क्योंकि तेल कच्चा होने पर सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। अब उसमें तेज पत्ता डालेंगे, और हमने जो मसाला पीसा था उसको डाल देंगे इसमें। गैस को हमने सिम कर दिया है, हमें मसाला जो है थोड़ा हल्का धीरे धीरे भूनना है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे नमक डाल देना है जिससे कि मसाला नीचे लगने ना पाए। मसाला अब ये होने वाला है, देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये मिर्ची डाल देंगे, और इसको एक बार फिर अच्छे से मिला के भून लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया और ये हल्का सा भून भी गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ये लगभग 2 गिलास पानी है, तो 2 गिलास पानी डाल देंगे हम। अब इसमें इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए, करीब 10 मिनट के बाद हमको इसको खोल के देखना है। दस मिनट पकने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यह भाई अभी थोड़ा सा कड़ा है, अभी इसको हम और पकाना है। अब 1 टीस्पून जो है इसमें काश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। और थोड़ी देर के लिए इसको फिर हम ढक देते हैं। एक बार फिर इसको हम चेक करते हैं, ये देखिए ये सब्जी हमारी पक गई है। ये सब्जी हमारी खाने के लिए रेडी है।
अब इसको हम सर्व करते हैं। सब्जी ये खाने के लिए रेडी है, आप खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।